Thank okay. you. चलिए शुरू करें क्या आज नया चैप्टर स्टार्ट होगा और चैप्टर है इक्विलिब्रियम। इसको हम लोग हिंदी में आयनिक साम्यावस्था भी कहते हैं और दूसरी बात इस टॉपिक को समझने के लिए दो टॉपिक का समझा होना बहुत जरूरी है एक कल बताए थे ना वियोजन की मात्रा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन एक वो और दूसरा लॉग वगैरह तो लॉग का भी थोड़ा बहुत फॉर्मूला बस लिखे थे और वियोजन की मात्रा को तो पूरा समझा दिए तो जिनका भी ये चीज छूटा हुआ है प्रीवियस लेक्चर में जाके देखिए घंटा चौंतीस मिनट का लेक्चर है लास्ट में लास्ट में हमको लगता है कहीं बताए हैं वियोजन की मात्रा गाना बजाना भी हुआ था उसी में तो कहा है वो एग्जेक्टली नहीं खिस्सा भी हुआ था तो देख लीजिएगा उसमें तो मिल जाएगा अदरवाइज एक दूसरा उपाय भी है कि जो लोग कल आए थे उनके कॉपी से लिख लीजिए उनसे पूछ लीजिए कि क्या बताया गया था वो आपको समझा देंगे नहीं समझाया दूथप्पर मार के उसको भी बुला बुलाते आना हमारे पास तो फिर हम हो वाला दूथप्पर मार के तब दोनों को समझा देंगे ठीक है तो चलिए शुरू करते हैं ठीक है लिखेंगे अच्छा ये चैप्टर सुनो चैप्टर ये थोड़ा हार्ड है हो सकता है कि आपको सारी बातें समझ में ना आए लेकिन ये तब होगा जब आप ध्यान रत्ती भर इधर उधर खिसकाएंगे तब यदि पूरा का पूरा कंसंट्रेट रहेंगे और हमारी बातों को कुछ प्रैक्टिकली समझने का प्रयास करेंगे तो आपको एक एक बात हम समझा देंगे बसरते कि आप पूरा का पूरा फोकस कीजिए कि हम बोल क्या रहे हैं हम समझाना क्या चाह रहे हैं हम बोलना क्या चाह रहे हैं वो सब आपको ना थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा तब आप बढ़िया से समझिएगा इस चैप्टर का कैलकुलेशन भी हार्ड होता है तो आइए शुरू करते हैं और एक और चीज एक फाइनल चीज जो आदमी रासायनिक साम्य अवस्था नहीं पढ़े हैं उनको आयनिक साम्य अवस्था समझ में शायद ही आए इस चीज के लिए आप रेडी रहिए तब आपको समझ में आएगा इस चैप्टर के बाद थर्मोडाइनमिक्स या गैसियस स्टेट तो चलिए इसको पहले शुरू करते हैं अब कितना समझते हैं आप देख लीजिए चैप्टर का नाम लिखेंगे आयनिक साम्यावस्था इसको इंग्लिश में आयनिक इक्लिबीरियम कहा जाता है आयनिक साम्य अवस्था आयनिक इक्लिबीरियम हो गया लिख ली चलो देखो अब इसमें हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो टॉपिक है वैद्युत अपघट्य ही डालिए तो इंग्लिश में हम लोग इसको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं इलेक्ट्रोलाइट पहले इसको हम समझेंगे बाद में लिखेंगे जैसे देखो पानी में जब तुम एने को डालते हो तो पानी में यह टूट जाता है एन प्लस में और सी माइनस में मतलब यह धनायन में टूट जाता है और रीनायन में टूट जाता है लेकिन यूरिया को जब आप पानी में डालते हैं एन एच टू एन एच टू तो यह पानी में धनायन या रीनायन में नहीं टूटता है यह बस ऐसे ही घुलता है तो इसका आयोनाइजेशन होता है इसका आयोनाइजेशन नहीं होता है वह हरेक यौगिक जो जल में धनायन में और रीनायन में टूट जाए उसी को हम लोग क्या बोलते हैं वैद्युत अपघट्य और इसके बारे में एक बार चर्चा और हुई है बेसिक में जब आप समतुल्य भार पढ़ रहे थे तब तो इसका डिफिनेशन लिखेंगे लिखेंगे वह यौगिक वह यौगिक जो जलीय विलियन में वह यौगिक जो जलीय विलियन में धनायन तथा ऋणायन में टूट जाता है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं। वह योगी जो जलीय विलियन में जलीय विलियन में धनायन तथा ऋणायन में टूट जाता है उसे वैद्युत अपघट्य कहते हैं जैसे अच्छा ये बताइए यूरिया टूटा नहीं था तो यूरिया को हम वैद्युत अवघट नहीं कहेंगे ग्लूकोज पानी में घुलता है लेकिन धनायन रेनाइन में टूटता नहीं है देखो धनायन रेनाइन में टूट के घुलना अलग बात है और सिंपली घुलना अलग बात है तो कंपाउंड दो तरह का हो गया एक इलेक्ट्रोलाइट एक इलेक्ट्रोलाइटिक और एक नन इलेक्ट्रोलाइटिक मतलब एक वैद्युत अपघट्ट है और एक वैद्युत अवघट नहीं है तो वैद्युत अपघट्ट की बात हम कर रहे हैं जैसे एन पानी में ये टूट जाता है एन में और सी एल माइनस में जैसे NaOH एच पानी में टूट जाता है Na प्लस में और ओ एच माइनस में जैसे एच सी एल पानी में टूट जाता है एच प्लस में और सी एल माइनस में तो ये सारे के सारे योगी क्या कहलाएंगे वैद्यता भेट जैसे एच टू एस ओ फोर कैसे टूटता है टू एच प्लस में और SO4 फोर टू माइनस में तो ये सब क्या कहलाएगा वैद्युत अपघट वैद्युत घट ये है वैद्युत अपघट ये है वैद्युत अपघट ये है वैद्युत अपघट ये है ये सब तो उसका आयन है जो पानी में जाएगा टूटेगा तब बनेगा लिखिए तो इसको आगे लिखेंगे वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं वैद्युत अपघट्य दो प्रकार के होते हैं ए नंबर लिखेंगे वैद्युत अपघट कितने प्रकार के होते हैं दो प्रकार के ए नंबर एक होता है प्रबल वैद्युत अवघट इंग्लिश में इसको बोला जाता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट यह सब टॉपिक ऐसा है जो आपको फिजिकल केमिस्ट्री ट्वेल्थ में भी खूब मिलेगा लगभग दो तीन चैप्टर में आपको मिलेगा यह स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट प्रबल वैद्युत घट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट लिख लिए पहले अब आप समझिए इस दोनों को और दोनों को थोड़ा ढंग से समझिएगा नहीं तो बाद में बड़ी परेशानी होगी आपको अभी लिखना अब कुछ नहीं है आपको सिर्फ देखना है सुनना है समझना है ठीक है देखिए इधर एक का नाम है प्रबल वैद्युत अवघट और दूसरे का नाम है दुर्बल वैद्युत घट्ट एक हो गया प्रबल एक हो गया दुर्बल मतलब एक मजबूत है और एक कमजोर है किस मामले मामले में ऐसा है आप इसको समझिए जैसे हम दोनों का एक एक एग्जाम्पल लेते हैं NaCl ये है प्रबल वैद्युत अपघट और एक कंपाउंड है सी एच थ्री सी ओ एच ये क्या है दुर्बल दुर्बल वैद्युत अपघट ठीक है पानी में जब आप इसको डालेंगे तो ये भी टूटेगा Na+ प्लस में और Cl- माइनस में यानी धनायन और ऋणायन में और पानी में जब आप इसको डालेंगे तो यह भी टूटेगा सी एस थ्री सीओ माइनस में और एच प्लस में ये भी धनायन में और रीनायन में यह भी टूटा तो यह भी वैद्युत वेद्युत है यह भी वैद्युत घट दोनों में समानता क्या समझ में आया अब अंतर क्या है वो समझिए उसी से समझ में आएगा प्रबल और दुर्बल यदि तुम पानी में इसका 10 मॉलिक्यूल डालोगे यानी ऐसा ऐसा कितना 10. 10 डालोगे तो 10 का 10 टूट जाएगा एन प्लस में और सीएल माइनस में इसका मतलब यदि तुम 10 एन ए पानी में डालोगे तो पानी में 10 गो एन प्लस बनेगा और 10 गो सी माइनस बनेगा यानी पानी में डालने के बाद एन ए आपको नहीं मिलेगा आपको मिलेगा एन और सी एल डालेंगे बीस टूटेगा तीस डालेंगे तीस टूटेगा सौ डालेंगे सौ टूटेगा एक करोड़ डालेंगे एक करोड़ टूटेगा मतलब जितना डालेंगे उतना टूटेगा एक को गो बचेगा नहीं समझ में आई बात इसका मतलब है कि इसका हंड्रेड परसेंट आयोनाइजेशन हो रहा है मतलब जो डाले सब पानी में जाके टूट गया यानी कुछ इस तरह से शुरू में आप लिए क्या थे एन और ये रिएक्शन करके या आयनाइजेशन करके क्या बना दिया एने प्लस और सीएल माइनस तो पानी में जो शुरू में आप लिए थे वो कोई मात्रा पानी में बची हुई है ही नहीं पानी में अंदर जाने के बाद ये सब का सब टूट चुका है एन ए प्लस में और सी एल माइनस में अब इस पर आइए इसका यदि तुम 100 मॉलिक्यूल पानी में गिराओगे ना एक एक करके जैसे एक गिराया ये फिर दूसरा गिराया फिर तीसरा गिराया यदि तुम 100 मॉलिक्यूल पानी में गिराओगे प्रैक्टिकली बात को समझने का प्रयास कीजिएगा तो सौ में ही दुए गो गो दू गो टूटेगा तीन गो टूटेगा डाले सौ टूटा कितना दो गो तीन गो तो बाकी कहां चला गया बाकी का क्या होगा बाकी का कुछ नहीं हुआ पानी में भदरसुन की तरफ बैठा हुआ आप जैसे डाले थे वैसा ही है उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ लेकिन जो दो तीन गो टूटा वो किस तरह से टूटा सी एस थ्री सीओ माइनस में और एच प्लस में यानी टूटा ये भी धाना है नाइन में टूटा वो भी धाना है नाइन में वो पूर्ण रूप से टूटा ये आंशिक रूप से टूटा ये पूर्ण रूप से नहीं टूटा अब समझे बात की क्या है दुर्बल और प्रबल तो एग्जैक्टली exactly यही अंतर है अब मान लीजिए कि आप सौ डाले और टूटा पचास मतलब है कि फिफ्टी परसेंट का आयोनाइजेशन हुआ तो बताइए इसके अल्फा का मान होगा जीरो पॉइंट फाइव कल ही तो बताए आधा आधा आधी टूटा तो अल्फा कामान जीरो पॉइंट फाइव पूरा का पूरा टूट जाए तो अल्फा का मान एक और बिल्कुल टूटे ही नहीं तो अल्फा का मान जीरो जैसे यूरिया के लिए अल्फा का मान जीरो टूटता ही नहीं है तो समझ में आया कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट में अंतर क्या है तो अभी हमारा हेडिंग क्या है प्रबल वैद्युत अपघट तो प्रबल वैद्युत अपघट के बारे में हमने कहा कि सौ डालेंगे सौ टूटेगा दो सौ डालेंगे दो सौ टूटेगा यानी हंड्रेड परसेंट डिसोसिएशन होगा तो निश्चित है कि इसका अल्फा मैक्सिमम होगा और अल्फा का मान एक के बराबर होगा यानी प्रबल वैद्युत अपघट के लिए अल्फा का मान हमेशा एक होता है और यदि क्वेश्चन लिख दिया कि नहीं एनएसएल के अल्फा का मान नाइन है इसका मतलब नाइनटी परसेंट टूट रहा है टेन परसेंट टूट नहीं रहा है तो उसके उस जगह पर हम लोग क्वेश्चन के हिसाब से चलेंगे अदरवाइज हम अपने दिमाग में रखेंगे कि प्रबल वैद्युत अपघट है तो निश्चित है कि वो हंड्रेड परसेंट एसोसिएट करेगा तो प्रबल वेदी तब घट के लिए दिमाग में यह बात सेट रखना है कि अल्फा का मान एक होता है क्योंकि एक मोल लेंगे एक मोल टूटेगा दो मोल लेंगे दो मोल टूटेगा जितना लिए उतना खर्च हो गया खर्च किया गया मोल बटे लिया गया मोल रेशियो बराबर हो जाएगा रेशियो एक हो जाएगा अल्फा का मान एक हो जाएगा यहां पर क्या हुआ लेते हैं बहुत मात्रा में टूटता है बहुत कम मात्रा में तो यहां पर आंशिक रूप से टूटा तो निश्चित है कि इसका जो अल्फा का मान होगा ना वो एक से बहुत ही कम होगा सौ में पचास टूटेगा तब ना अल्फा का मान जीरो में, में टूटेगा तब 100 में टूटेगा सौ में सो में टूटेगा तो अरे बैठो ना भाई सौ में दो गो टूटेगा तब अल्फा का मान जीरो पॉइंट जीरो टू अब बताइए यह मान एक से काफी कम है कि नहीं तो इस तरह से दुर्बल वैद्युत अपघट के अल्फा का मान एक से काफी कम हुआ अब यहां पर सवाल ये उठता है कि इस तरह की बातें इस दोनों के साथ हुआ क्यों एक पूर्ण रूप से टूट गया और एक पूर्ण रूप से नहीं टूटा अभी पढ़ाई चल रही है टॉपिक समाप्त नहीं हुआ आपको बोला गया है चुपचाप सुनने के लिए जब सुनने के बाद सारी बातें खत्म हो जाए तब बोला कीजिए बीच में भनकिए मत हमको ध्यान में है कि आपको क्या समझ में आएगा क्या नहीं हाँ हम जब खत्म कर देते तब आप बोलते तो अच्छा लगता बीच में मत खड़ा हुआ कीजिए अब सुनिए एन में एक है धातु और दूसरा है अधातु और सी एच थ्री सी ओ ओ एच में सब का सब है अधातु यहां पर जो बंधन बना था सी एच थ्री सी डबल बॉन्ड ओ ओ एच ये वाला बंधन बना था और यहां पर एन ए प्लस और एच सॉरी सी एल माइनस यहां पर आयनिक बंधन था और यहां पर कोवेलेंट बॉन्ड है आयनिक बंधन का पानी में आयोनाइजेशन बहुत आसानी से होता है क्योंकि धातु का गुण होता है इलेक्ट्रॉन देने का दिया, प्लस और में टूट गया और यहां पर यह जल्दी टूटता नहीं है क्योंकि यह बंधन आयनिक नहीं है यह बंधन कैसा है कोवैलेंट लेकिन फिर भी यह आयन के रूप में इसलिए टूटता है क्योंकि ऑक्सीजन और हाइड्रोजन परमाणु के बीच वैद्युत ऋणात्मकता में बहुत बड़ा अंतर होता है दोनों का दोनों इलेक्ट्रॉन शिफ्ट किया हुआ रहता है किस तरफ ऑक्सीजन के तरफ जिसके कारण सौ में एक मोलिक्यूल ऐसा होता है जो टूट जाता है वो माइनस में और एच प्लस में इसके टूटने की मात्रा को बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है यही सब बात आप आगे इस चैप्टर में पढ़ेंगे आप जरा सोचिए कि इसको हम गर्म कर दें गर्म करेंगे तो बंधन कमजोर होगा बंधन कमजोर होगा तो जो पहले सौ में दो टूट रहा था हो सकता है कि सौ में चार टूटने लगे पांच टूटने लगे लेकिन इसको आप गर्व कीजिएगा तो इस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वो पहले से ही पूर्ण रूप से टूट के बैठा हुआ है, समझ में आया लिखेंगे अब अब बोलिए अब भी दिक्कत है अब कुछ पूछना है लिखेंगे लिखेंगे वह वैद्य तब घट्य वह वैद्युत अपघट्य जो वह वैद्युत अपघट्य जो जल में पूर्णतः आईनीकृत होता है उसे प्रबल वैद्युत अपघट्य कहते हैं। जैसे अभी हम कुछ प्रबल वैद्युत अपघट का एग्जाम्पल लिख रहे हैं और आप इसको हमेशा ध्यान में रखिएगा कि ये सब प्रबल वैद्युत अपघट है जैसे एने KCL, NaOH, HCl, HNO3, एच टू फोर ये सब कॉमन यौगिक हैं जो बार बार आते रहते हैं ये सब प्रबल वैद्युत अपघट की गिनती में आता है के ओ एच बहुत सारा है इसमें लेकिन ये सब कुछ कॉमन यौगिक हैं जो बार बार आपको देखने के लिए मिलेंगे और इसी का दूसरा पार्ट क्या है बी नंबर एक मिनट एक मिनट एक मिनट और एक मिनट और इस सभी के लिए अल्फा का मान कितना होता है वन। तो आप यह ध्यान रखेंगे कि प्रबल वैद्युत घट के लिए अल्फा का मान एक होता है क्योंकि जितना मोल लीजिएगा उतना मोल खर्च हो जाएगा टूट जाएगा लेकिन कभी कभी क्वेश्चन अपनी तरफ से कह देता है कि इसका जो वियोजन की मात्रा है ना वो नाइनटी परसेंट है मतलब सोलिए तो उसमें टूट टूट गया ये नब्बे गया अब सोचिए तो तो वाला है है ऐसा नहीं है कि पचास परसेंट टूटा तब हंड्रेड परसेंट टूटा तभी हम उसको प्रबल कहेंगे अदरवाइज वो दुर्बल की ही गिनती में आएगा और इसी नेचर को समझने के लिए हम किसका यूज करते हैं अल्फा का यूज करते हैं क्योंकि अल्फा एग्जैक्ट बता देता है कि कितना टूटेगा यदि 50 परसेंट है इसका मतलब 50 परसेंट टूटेगा 50 परसेंट वैसे ही के तरह बैठा रह जाएगा आई बात समझ में तो लिखेंगे नीचे एरो देखे। इसके नीचे लिखे तो दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए नो सॉरी 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 प्रबल वैद्युत अपघट के लिए प्रबल वैद्युत अपघट्य के लिए अल्फा का मान एक होता है प्रबल वैद्युत अपघट के लिए अल्फा का मान एक प्रबल वैद्युत अपघट के लिए अल्फा का मान एक होता है अब स्टार्ट करेंगे आप लोग बी नंबर बी नंबर लिखिए दुर्बल वैद्युत अपघट्य इंग्लिश में इसको कहते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट इसका उल्टा परिभाषा बनेगा बताइए क्या परिभाषा लिखेंगे वह पूर्णतः जो लिखे है ना नहीं अपूर्णता नहीं इसको बोलेंगे आंशिक आयनाइजेशन तो लिखेंगे इसी डिफिनेशन को लिखिए बस पूर्णता के जगह आंशिक लगा दीजिए दुर्बल के प्रबल के जगह दुर्बल लगा दीजिए हम इसी को कॉपी कर लेंगे वह वैद्युत अपघट जो जल में आंशिक रूप से वह वैद्युत अपघट जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है उसे दुर्बल वैद्युत अपघट कहते हैं वह वैद्युत अपघट जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है उसे दुर्बल वैद्युत अपघट कहते हैं जैसे हो गया लिखा हुआ इसमें कुछ गिना चुना यौगिक है बहुत ज्यादा यौगिक इसमें नहीं होता है और इसको पहचानने का तो बहुत तरीका है धीरे धीरे आप जब जैसे जैसे आपका केमिस्ट्री डेवलप होगा ना आप अपने आप समझते चले जाएगा कि कहा क्या है नहीं है खाली आप लोग दिमाग नहीं लगाते हैं इसलिए आप उलझते हैं अभी भी जो आप पूछे क्वेश्चन कि इन पूर्ण रूप से टूटेगा और सीएस थ्री सी एच रूप से टूटेगा इसका क्या कारण है इसके बारे में आप खुद भी सोच सकते थे लेकिन आप सोचना चाहते नहीं है कुछ लोग तो इतने मदरसुन हैं जिनके दिमाग में यह क्वेश्चन भी नहीं आता होगा कि आखिर ऐसा क्यों होता है जो लोग चुप रहते हैं जैसे एच सी ओ ओ एच नाम बताओ तो इसका इसका नाम बताइए ये फॉर्मिक एसिड है ये एसिटिक के सीड है सिल्वर क्लोराइड सिल्वर ब्रोमाइड बेंजोइक के एसिड इसमें और भी बहुत सारे एग्जाम्पल इसमें एक और एग्जाम्पल है एन एच फोर ओ एच ये कुछ इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है जो इस चैप्टर में आता है हम उसका चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर ए जी सी एल और ए जी बी आर में धातु होने के बावजूद भी इसमें कोवेलेंट गुण ज्यादा होता है पानी में आप बचपन से पढ़ते आ रहे होंगे कि ए जी सी एल पानी में घुलता नहीं है पानी में घुलने का कुछ कंडीशन होता है इसी सब चीज के बारे में आप इस चैप्टर में और डिटेल में पढ़ेंगे जिसको हम लोग सॉल्युबिलिटी कहते हैं तो वहां पर यह सब बात आपको और बढ़िया से समझ में आएगा कि कौन पानी में टूटेगा कौन नहीं टूटेगा क्यों टूटेगा काहे टूटेगा इस सब के बारे में डिटेल में पता चलेगा ये चैप्टर बहुत ज्यादा कंसेप्चुअल है रटने वाला चीज इसमें कुछ है ही नहीं सब समझने वाला चीज वैसे भी अब जो भी चैप्टर है एलेवंथ में सब समझने वाला है हो गया लिखा हुआ यहां तक में कोई दिक्कत नहीं है अच्छा इसके अल्फा का मान एक से कम नहीं बहुत कम होता है लेंगे सौ गो टूटेगा अल्फा जो होता है ना जीरो पॉइंट जीरो जीरो वन इस तरह से रहता है तो बहुत कम होता है तो लिखेंगे नीचे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के अल्फा का मान दुर्बल वैद्युत अपघट के अल्फा का मान जो भी लोग अल्फा नहीं पढ़े हैं पिछला लेक्चर देखिए उसमें डिटेल में बताया गया है अल्फा का मान एक से बहुत ही कम होता है एक से बहुत ही कम होता है यहां तक क्लियर है सुनो अब देखो NaCl सी एल पानी में टूटेगा कैसे Na+ प्लस में और सी एल माइनस में सौ लेंगे तो सौ टूटेगा दो सौ लेंगे तो दो सौ टूटेगा इसका मतलब इसका टूटने वाला गुण है और जिसका टूटने वाला गुण है वो भी पूर्ण रूप से आपको लगता है कि ये वापस पानी में Na+ प्लस और Cl- माइनस NaCl एन ए सी एल बना दे ये कभी भी पॉसिबल नहीं है तो ऐसी स्थिति में जो प्रबल वैद्युत अपघट का आयोनाइजेशन होता है वह अनुत्क्रमणीय होता है एक तरफा होता है टूट जरूर जाएगा पानी में लेकिन पानी में फिर दोबारा जुड़ेगा नहीं और यदि आप इसको जोड़ना चाहते हैं तो फिर पानी को आपको उड़ाना पड़ेगा गैस बना के उड़ा दीजिए एन उसमें रह जाएगा फिर जुड़ जाएगा लेकिन पानी जब तक रहेगा तब तक वो जुड़ने वाला नहीं है इसका मतलब है कि पानी में जो एन का आयोनाइजेशन होता है यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है और यदि यह अनुत्क्रमणीय प्रक्रम है तो क्या हम इसमें साम्य अवस्था की बात कर सकते हैं कभी नहीं अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया कभी भी साम्य अवस्था को हासिल नहीं कर सकता है लेकिन जब आप दुर्बल वैद्युत अपघट की बात करते हैं जैसे सी एस इसमें टूटेगा सौ गो में ए गो गो जो टूटेगा ना वो भी कुछ देर के बाद जुड़ जाएगा और फिर जुड़ने के बाद कोई दूसरा मॉलिक्यूल फिर से टूट जाएगा इसका मतलब है कि ये रिएक्शन कैसा है रिवर्सिबल और रिएक्शन यदि रिवर्सिबल है तो निश्चित है कि यह साम्यावस्था को स्थापित करेगा और यदि यह साम्यावस्था को स्थापित करेगा तो आयन के द्वारा स्थापित यही साम्यावस्था आयनिक साम्यावस्था कहलाता है समझ में आया तो साम्य अवस्था को क्यों हासिल करेगा क्योंकि ये माइनस और ये प्लस कोवेलेंट बॉन्ड के द्वारा फिर से जुड़ सकता है लेकिन वहां पर अच्छा ये जुड़ा तो हो सकता है कि उस सौ में कोई दूसरा मॉलिक्यूल अब टूट जाए कोई तीसरा मॉलिक्यूल टूट जाए मतलब ये इसमें और ये इसमें बदलता रहता है यानी उत्क्रमणीय प्रक्रम में इसका आयनाइजेशन होता है तो यहां से एक स्पष्ट बात यह हुआ कि प्रबल वैद्युत अपघट्य का आयनीकरण अनुत्क्रमणीय होता है इसमें साम्यावस्था का कोई संकल्पना संभव नहीं है क्योंकि अनुत्क्रमणीय अनुत्मणीय साम्य अवस्था उत्पन्न नहीं होता है लेकिन इसी का जो दूसरा पहलू है दुर्बल वैद्युत अपघट का जल में आयनीकरण आंशिक रूप से होता है जिसके कारण यह साम्यावस्था को स्थापित करता है करता है क्योंकि इसका प्रोसेस कैसा है उत्क्रमणीय उत्क्रमणीय है इसलिए यह साम्यवस्था को स्थापित करता है और दुर्बल वैद्युत अपघट के आयनीकरण के द्वारा स्थापित साम्यावस्था ही आयनिक साम्यावस्था कहलाता है जो हमारा चैप्टर है यानी अभी तक आप चैप्टर पर पहुंचे नहीं है अभी आप चैप्टर के बारे में कुछ इधरे उधर की बातें कर रहे हैं अभी बस पता लगा रहे हैं कि आइनिक इक्विलिब्रियम क्या है इसके बाद इसका कंसेप्ट आएगा तो उसको तो खैर हम देखेंगे ही बाद में लेकिन फिलहाल ये सब पूरा हो चुका है ना लिखिए तो नीचे रो देखे नोट लिखेंगे प्रबल वैद्युत अपघट्ट का प्रबल वैद्युत अपघट्ट जल में आयनीकरण प्रबल वैद्युत अपघट्य का जल में आयनीकरण का, का प्रक्रम जल में आयनीकरण का प्रक्रम अनुत्क्रमणीय होता है अतः यह अतः यह साम्यावस्था को अतः यह साम्यावस्था को स्थापित अतः यह साम्यावस्था को स्थापित नहीं करता है अतः यह साम्यावस्था को स्थापित नहीं करता है नेक्स्ट एरो दुर्बल वैद्युत अपघट का जल में आयनीकरण दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का जल में आयनीकरण दुर्बल वैद्युत अपघट्ट का जल में आयनीकरण एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है एक उत्क्रमणीय प्रक्रम अच्छा ये बताइए आप कभी भी आज तक ऐसा लिखा हुआ देखें सी एल ये वाला। क्यों नहीं देखे या अब समझ में आया क्योंकि ये एक तरफा रिएक्शन करता है ये दो तरफा रिएक्शन नहीं करता है एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है अतः यह साम्यावस्था को स्थापित करता है दुर्बल वेदी घट का जल में आयनीकरण एक उत्क्रमणीय प्रक्रम है अतः यह अतः यह को अतः यह साम्यावस्था को स्थापित करता है लिख ली नीचे फिर से एरो दीजिए और लिखिए तो दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के आयनीकरण को दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के आयनीकरण को तीन तरीके से दर्शाया जा सकता है तीन तरह से दर्शाया जा सकता है आगे लिखेंगे माना कि ए बी एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य माना कि ए भी एक दुर्बल वैद्युत अपघट्य है हम मान लिए हैं कि ए भी कोई यौगिक है जो क्या है दुर्बल वैद्युत अपघट्य अब रुक जाना लिखना मत हम यदि लिखें ए बी प्लस एच टू ओ और ये कन्वर्ट किया ए प्लस में और बी माइनस में या हम लिखें ए बी एक्वस ये कन्वर्ट किया ए प्लस एक्वस और प्लस बी माइनस एक्वस का मतलब एक्वस या फिर डायरेक्ट हम यदि लिख दें ए बी कन्वर्ट किया ए प्लस में और बी माइनस में तो इस तीनों में कोई अंतर नहीं है कोई भी लिखा हुआ रहे एक ही बात है कोई अलग बात ये नहीं है इस तीनों का मतलब यही है कि ए बी का आयोनाइजेशन हो रहा है कहा जल में आई बात समझ में और आप गौर से देखिए कि हम इसमें साइन क्या लगाए रिवर्सिबल और रिवर्सिबल लगाए तो निश्चित है कि साम्य अवस्था को हासिल करेगा और ये जो साम्य अवस्था को हासिल करेगा उसी को हम कौन सा साम्य अवस्था कहेंगे आयनिक साम्य अवस्था और क्यों कहेंगे आयनिक साम्य अवस्था आप ये समझिए अभी तक जो आप रासायनिक अभिक्रिया लिखते थे एन टू प्लस थ्री एच टू कन्वर्ट करता है टू एन एच थ्री में याद है इसमें रिएक्टेंट में या प्रोडक्ट में कहीं कोई आयन है तो आयन नहीं है तब यदि साम्यावस्था स्थापित हुआ तो उसको कहेंगे रासायनिक साम्यावस्था और यदि एक गो आयन दिख जाए रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट में तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे आयनिक साम्यावस्था समझ में आया कि ये दोनों में मतलब जनरली अंतर क्या होता है तो इस स्टेटमेंट को समझने में आपको परेशानी नहीं है तो आगे हम बताइए ये स्टेटमेंट लिख सकते हैं सुनिएगा स्टेटमेंट सुनिएगा हम ये कह सकते हैं कि दुर्बल वैद्युत अपघट के आयनीकरण के फलस्वरूप स्थापित साम्यावस्था ही आयनिक साम्यावस्था कहलाता है या वह साम्यावस्था जिसमें कम से कम कोई एक अवयव आयन हो अवयव का मतलब रिएक्टेंट चाहे प्रोडक्ट उसी को हम क्या बोलेंगे आयनिक साम्यावस्था क्लियर है ये तो आप पहले इसको लिखिए तो अभी क्या बोले थे कि तीन तरह से दर्शाया जा सकता देखिए कितना तरह से दर्शाया गया ये सब एक ही बात है एक्यू का मतलब एक्वस होता है और एक्वस का मतलब जलिया होता है और जलिया का मतलब एवी को जल में डाला गया है देखो किसी भी रिएक्टेंट के बगल में ऐसे जी लिखा हुआ है। इसका तो ये गैस है इसके बगल में एस लिखा हुआ है इसका तो ये सॉलिड है इसके बगल में स्मॉल एल लिखा हुआ है मतलब ये लिक्विड है इसके बगल में एक क्यू लिखा हुआ है मतलब ये जल में घुलाया गया है या जल में उपस्थित है समझे क्या बढ़े आगे बस अब इसका लास्ट ही स्टेटमेंट बनेगा फिर खत्म हो जाएगा टॉपिक लिखेंगे नीचे रो दे दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के दुर्बल वैद्युत अपघट्ट के आयनीकरण दुर्बल वैद्युत अपघट के आयनीकरण के द्वारा स्थापित दुर्बल वैद्युत अपघट के आयनीकरण के द्वारा स्थापित साम्यावस्था, साम्यावस्था आयनिक साम्यावस्था कहलाता है आयनिक साम्यावस्था कहलाता है तो ये जो ये जो लाइन अभी आप लिखे हैं ये एक्चुअल में आयनिक साम्यावस्था का परिभाषा है दुर्बल वैद्युत तब के के से के द्वारा स्थापित साम्यावस्था आयनिक साम्यावस्था कहलाता है या इसी को एक और तरीके से परिभाषित कर सकते हैं वह साम्यावस्था जिसमें कोई एक अवयव अभिकारक या प्रतिफल आयन हो उसे हम आयनिक साम्यावस्था कहेंगे क्योंकि वहां पर आयन के कंसंट्रेशन की बात होगी आई बात समझ में आयन के सांद्रण की बात होगी अच्छा एक बात बताइए पानी में यदि आप एनएसीएल डालेंगे अधिक मात्रा में तो एन प्लस का सांद्रण सीएल माइनस का सांद्रण अधिक होगा और यदि एनएसीएल कम मात्रा में डालेंगे तो एन प्लस का सांद्रण और सीएल का सांद्रण कम होगा तो इस पूरे चैप्टर में हम आयन के सांद्रण पर ही चर्चा करते हैं और लिखने वाला बात कम है रटने वाला बात बिल्कुल नहीं है टोटल का टोटल बात समझने वाला है लिखेंगे आ, आगे और करके लिखे तो वह साम्यावस्था या नीचे रो देख लिखिये वह साम्यावस्था वह साम्यावस्था जिसमें कम से कम कोई एक अवयव वह साम्यावस्था जिसमें कम से कम कोई एक अवयव ब्रैकेट में लिखेंगे अभिकारक या प्रतिफल अभिकारक या प्रतिफल ब्रैकेट बंद कीजिए ब्रैकेट बंद कीजिए प्रतिफल के बाद ब्रैकेट बंद आयन हो आयन हो उसे आयन हो उसे आयनिक साम्यावस्था कहते उसे आयनिक साम्य अवस्था कहते हैं तो अब आप समझे हैं इस चैप्टर के नाम को अब स्टार्ट होगा यह चैप्टर अगला टॉपिक है दुर्बल वैद्युत अपघट के लिए ऑस्टवाल के तनुता का नियम ऑस्टवाल डायल्यूशन लॉ ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कल से टॉपिक भारी हो जाएगा सडनली टफ हो जाएगा एक के क्लास के बाद हेरिंग डाल के छोड़िए हिरिंग डालिए कल से यहां से हम लोग शुरू करेंगे क्लास रेगुलर रहना तो बहुत बढ़िया से समझ में आएगा इरेगुलर रहोगे यदि नहीं आ पाओगे तो ऑनलाइन देख लेना कि अभी से जितना भी क्लास इलेवेंथ में चलेगा मैं पब्लिकली बोल रहा हूं एक एक सेकेंड क्लास लाइव रहेगा रिकॉर्डेड लेक्चर यूट्यूब पर अवेलेबल रहेगा जो नहीं पढ़ पा रहे हैं पढ़ लीजिए बहुत जरूरी चीज है ट्वेल्थ में आप यहां पढ़ें या कहीं भी पढ़ें आपको इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ पाएंगे उनको भी ये बात बताना पड़ेगा यदि आप नहीं समझेंगे तो और एक मास में बताना मुश्किल होता है स्पेशल स्पेशल चीजों को जो इलेवेंथ में पढ़ना होता है वो आपको कहां से कोई आदमी ट्वेल्थ में ज्यादा बता पाएंगे तो कल से हम लोग इस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आइए कल पूरा का पूरा एक नियम कल का पूरा क्लास ले लेगा या होगा भी कि नहीं होगा कहना मुश्किल तो मिलते हैं हम लोग कल ठीक है 那我可以进去。